हेलो फ्रेंड्स, आइए आज आपको हम चिड़ियाघर जो है हावड़ा का उसको घुमाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में आप देखिएगा कि आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, लेकिन कोई भी क्लियर यह नहीं बताता है कि अगर हमको हावड़ा से या सियालदह से चिड़ियाघर जू जाना है तो हम कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप सियालदह स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से आप बस पकड़ के हावड़ा स्टेशन आ जाए, और हावड़ा स्टेशन पे जहाँ पे वो आपको उतारेगा, जस्ट उस रोड से उस पार जाना है आपको, और उस पार जाने के बाद आपको वहाँ पे एक मूर्ति मिलेगी जो घोड़े पर सवार है, और उसी मूर्ति के पास से आपको जू के पास बस जाती है। आपको वहीं से बस को पकड़ना है। रोड के उस पार जाना है और वहीं से आपको बस मिलेगा जो 20 से 25 मिनट में आपको जू के वाले एरिया में पहुंचा देगा। वहां से जहां पे बस रुकेगी, वहां से आपको किसी से पूछना है नेशनल लाइब्रेरी जाने के लिए किधर से जाएंगे, तो आप उसी रास्ते पे जाएंगे आगे, और जहां नेशनल लाइब्रेरी का बोर्ड लगा है वहाँ से बाईं तरफ एक रास्ता जाता है और दाहिने तरफ भी जाता है, तो आप बाईं तरफ वाले रास्ते में जाएंगे, और वहाँ से लगभग आप 5 या 7 मिनट पैदल चलेंगे तो आपको जू मिल जाएगा, वहीं पे है। तो आइए देखिए, ये है जू का जहाँ पे हम लोग टिकट कटाते हैं, जूलॉजिकल गार्डन, ये इसका बोर्ड है। यहाँ पे आसपास आपको इसके अपोजिट में जूलॉजिकल एक्वेरियम है, एक्वेरियम गार्डन है। आसपास खाने की चीज़ें मिलती हैं, टैक्सी आदि से भी लोग आते हैं। यह इसका मेन एंट्रेंस है जहाँ पे आपकी टिकट चेक की जाएगी। अंदर आने पे ये मैप है जो बताता है कि जू में कहाँ पे क्या है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे क्या क्या है। ये जू की हिस्ट्री के बारे में है, यहाँ पे कब स्थापना हुई थी, जू में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं उसकी ये लिस्ट है। जैसे ही आप इंटर करते हैं बाई तरफ से आपको यह सुंदर गार्डन मिलेगा जहाँ पे जिराफ और हाथी के आपको कलाकृतियाँ मिली हैं। काफ़ी सुंदर पार्क है छोटा ही में, और ये है यहाँ से ही जो है आप टिकट लेके अंदर आ भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियल एनिमल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे क्या क्या जो है एनिमल्स है उसके बारे में आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग यहाँ से बाईं तरफ वाले रास्ते में चलते हैं और देखते हैं अंदर चल के। यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं, कुछ लोग प्राइवेट गाड़ी से आते हैं, तो पार्किंग की भी व्यवस्था है। ओ, हो सकता है ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे काम करने वाले स्टाफ्स की हों, क्योंकि इसके बारे में मुझे प्रॉपर कोई नॉलेज नहीं है। दोस्तों, चाइल्ड केयर एंड सेंटर यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे काफ़ी सुंदर कलाकृति। यहाँ से अंदर जाएंगे, काफ़ी मनमोहक दृश्य देखिए। यहाँ पे कितनी दूरी पे कौन सा जीव है इसके बारे में भी आपको पॉइंट मिलेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ये यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार का जीव आपको बगल में ही मिलेगा सीधे जाने से।
ये ऑफिशियल गेट है। सबसे पहले हम लोगों को ये गोरिल्ला का खेमा मिला। आइए यहाँ देखिए, ये हिस्टोरिकल स्टाइल में बना हुआ पानी का सेंटर है, नल लगा हुआ है, यहाँ से पानी भी आ रहा है। देख सकते हैं कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे। ये गोरिल्ला का कैंप है, खेमा, सुरक्षा के लिए चारों तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है। वो सोया नज़र आ रहा है आपको, देखिए अभी अभी बारिश हुई है तो सभी जीव जंतु जो हैं वो विश्राम कर रहे हैं। देख सकते हैं गोरिल्ला है ये, और देखिए कितना छोटा है। या तो यह अभी शिशु अवस्था में है या किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में नहीं पहुंचा है। अगर ये गोरिल्ला जंगल में होता तो यह काफ़ी हिष्ट पुष्ट और काफ़ी तंदुरुस्त होता। यह एक शीशे की दीवार लगी हुई है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे, वी आर सैड फॉर दोज लॉस्ट सोल फ्रॉम द ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो यह बोल रहा है कि यह दुखी है उन जीवों के लिए जिनका जो है ट्रैफिक में एक्सीडेंट होके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें जीव जंतुओं का ध्यान रखते हुए गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए। अगला बेड़ा है देखिए हम लोग, जेब्रा फाउंड इन अफ्रीका साउथ सहारा। अमूमन देखने में यह छोटे घोड़े के तरह नजर आता है, लेकिन इसके ऊपर जो प्राकृतिक रूप से रंग बिखरी हुई मिलती है वह अद्भुत है। और दोस्तों यह रंग जो है सफ़ेद और काले रंग की धारियां, या इसके ऊपर के जो रुआ होता है उस पे ही नहीं बल्कि अंदर इसके खाल पे भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। देखिए अभी यहाँ तीन दिख रहे हैं, एक वहाँ शांत से बैठा हुआ है। जूलॉजिकल गार्डन में हमें वैसे जीव जंतु देखने को मिलते हैं जो अमूमन हमें देखने के लिए एक देश से दूसरे देश जाना पड़े, तो सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। यह एक दूसरा खेमा जिसमें एक और जेवरा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर से। चूँकि एक बड़ा सा बीच में बेड़ा लगा हुआ है तो मैं स्टिक को, कैमरा के स्टिक को ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों काफ़ी रिस्की है, कैमरा अगर अंदर गिर गया तो मुश्किल हो सकती है, पर फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नज़दीक व्यू देने के लिए। देखिए यही बेड़ा है ये फूल का, जो आपको कैमरे में छोटा दिख रहा है पर ये 4 साढ़े 4 फुट का लगभग चौड़ाई में है। आइए आगे चलते हैं।
कुछ बच्चे भी यहाँ स्कूल से आए हैं, आनंद कर रहे हैं। यह भी एक पक्षी है, यह फ्लाइटलेस पक्षी है, वो उड़ने में सक्षम नहीं है। मैं इसको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। देखिए इसकी आंखें लाल लाल हैं और चोंच नुकीली है। ज़्यादा नज़दीक जाने पे कैमरे को खतरा हो सकता है। ये काफ़ी चौड़ा बेड़ा है। यह अगला बेड़ा ऑस्ट्रिच का है। यह भी एक फ्लाइटलेस उड़न रहित जो है पक्षी है। और यहाँ आप बोर्ड देख सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस ऑस्ट्रिच को गोद लिए हैं। इनका लालन पालन पोषण इनके माध्यम से होता है। यहाँ पे एक इस तरह की सुविधा है कि आप चाहें तो किसी जीव को गोद ले सकते हैं, इससे आपको अच्छा महसूस होता है। ऑस्ट्रिच काफ़ी मजबूत प्रजाति है पक्षी में से। यह तेज़ दौड़ने में काफ़ी माहिर होते हैं और इनके पंजे काफ़ी मजबूत होते हैं और इनकी लंबाई काफ़ी ऊंची होती है, काफ़ी बड़ी होती है। नज़दीक से अगर मौका मिलेगा तो मैं दिखा रहा हूँ, अगर यह मेरे तरफ नज़दीक आता है तो। देखिए आ रहा है संजोगवश। बिल्कुल हमारे खेमे के जो यह बेड़ा है उसके बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। लंबी सी गर्दन, मजबूत पंजे और एक अद्भुत छटा, अद्भुत दृश्य। हमारे ही तरफ देख रहा है दोस्तों। डॉक्टर देवाशीष यह देखिए अगले बेड़ा में हम लोग चलेंगे। यह कछुए का बेड़ा है, खेमा है। काफ़ी बड़ा कछुआ है दोस्तों, यह काफ़ी बड़ा कछुआ और काफ़ी पुराना। आप देख सकते हैं इसे चलने में भी दिक्कत हो रही है और खुशनुमा जो यह प्राकृतिक वातावरण एक बना है रिमझिम बारिश के बाद, तो उसमें यह बाहर कुछ खाने के लिए निकला है। देखिए घास फूस पत्ते आदि को यह खा रहा है दोस्तों। जितना नज़दीक से नज़दीक हम जा सकते हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों देखिए एक साइड से व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नाम है इसका
इल इल्डेब्रा जेंट टोरटोरिस। यह बहुत ही बड़ा जो है लार्जेस्ट कछुओं की प्रजाति में से एक है, जो संसार में सबसे बड़े बड़े प्रजाति पाए जाते हैं एल्डेब्रा जेंट, तो उस ग्रुप का है ये दोस्तों, काफ़ी यूनिक रहा ये। यह देखिए यह बेड़ा कंगारू का है। अमूमन हम जानते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और हम प्रयास करते हैं कैमरे की नज़र से इसे खोजने की। यह अपने खेमे में किधर बैठा हुआ है दिखा नहीं दोस्तों। अगला खेमा यह हिरण का है, डियर का है, उसको भी मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूंगा, हिरणों की झुंड को। जाल के ऊपर से मैं कैमरे को ले जा करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप कैमरे की नज़र से पूरी नज़दीक से आनंद ले सकें एक प्राकृतिक छटा। क्योंकि जीव जंतुओं का जो परिवेश है वह जितना प्राकृतिक हो उतना ही लाभदायक होता है। देखिए ब्राउन एंटेयर्ड डियर, यह इनकी एक प्रजाति हुई। हम ये अगले खेमे में आ गए हैं जहाँ एक पुराना वृक्ष गिरा हुआ आपको नजर आ रहा है। किसी न किसी तेज आंधी की चपेट में यह पुराना वृक्ष आया है, एक पक्षी ऊपर से उड़ता हुआ। अमूमन दो बेड़ा जो है एक प्रकार के जीव के लिए यहाँ पे बनाया गया है। एक बेड़ा से जीव दूसरे बेड़ा में जाता है ताकि उसे एक बड़ा सा क्षेत्र मिले, क्योंकि ये जीव जंगल में रहने के आदि हैं और छोटे स्थान पे रहना थोड़े लिए इनके लिए कष्टदायक होता है, इसलिए थोड़ा बड़ा बेड़ा। यह पुराना तरीके का यह नल, इसकी एक झलक आपको मिलती हुई कैमरे की नज़र से, संभवतः इसमें भी पानी है। यहाँ दोस्तों आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं फल के, जिसमें से फल भी आते हैं। अभी के मौसम में इमली जो है आ रही है, धूम्रपान करना निषेध है, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। यह बेड़ा जो है यह मगरमच्छ का है, तो देखिए पानी में वो जो दिख रहा है ना आपको लकड़ी के तरह हरा हरा, वो मगरमच्छ है जो स्थिर बैठा हुआ है वहाँ पे, रुका हुआ है पानी में। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा बाहर बैठा हुआ मगरमच्छ जो धूप सेक रहा है, आप निराश ना हो। ये मैं आपको ले चलता हूँ अगले बेड़े की तरफ, वहाँ हमें मगरमच्छ ज़रूर मिलेगा। इस सर्प रिप्टाइल जून से जब हम बाहर निकलेंगे तो एक बार पुनः उधर जाएंगे, रिप्टाइल हाउस यानी सर्पों का घर। यहाँ आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के सर्प जो हैं मिलेंगे। देखिए हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ एक काल्पनिक प्राकृतिक व्यवस्था बनाने की प्रयास की गई है। यह लिजार्ड ग्रुप का जीव है,
जो एक बार में 15 से 20 अंडे देता है, मोनोसेलेट कोबरा, कड़ेती जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में, यह कोबरा है। तो ये उसका खेमा, देखने का कोशिश करते हैं दोस्तों। रूसेल्स वाइपर, यह आमतौर पर रेगिस्तान में पाया जाता है दोस्तों। वाइपर इसकी पूंछ में एक घंटी की तरह बनी रहती है, जिसे बजा करके यह जीव जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कीट पतंगों को, और फिर उनका भोजन कर लेता है। अगले खेमे में बुर्मेस पैथॉन, यह जो है अजगर प्रजाति का जीव, देख सकते हैं चितकबरा अजगर इसे हम लोग कहते हैं। कोशिश करते हैं खेमे में खोजने की। हमें मिला है दोस्तों, आप निराश ना हो। रॉक पैथॉन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए वो वहाँ 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 नजर आ रहा है आपको, ये रहा, देखिए ये पैथॉन प्रजाति का, अजगर प्रजाति का है ये। अमूमन अजगर जो है वो शांत, मूवमेंटलेस रहते हैं, तो इन्हें खोजना भी थोड़ा सा कठिन होता है। देखिए यहाँ भी एक पड़ा हुआ है, तो सबसे एक्टिव जो है वो कोबरा होता है, जिसे हम लोग कड़ैत कहते हैं, वो काफ़ी एक्टिव होता है सांपों में, और इनएक्टिव में पैथॉन होता है अजगर, जो ज़्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं करता है। देखिए ये आपको मैं मूवमेंट दिखा रहा हूँ बिल्कुल नज़दीक से, मैं इसमें बने रहिए, मैं इस अभी जो वीडियो की क्लिप चल रही है इसमें मैं बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। देखिए ये रहा एकदम करीबी मामला दोस्तों, बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं हम, कैमरे को हमने बिल्कुल क्लोज कर दिया है फ्रेंड्स। रॉक पैथॉन है, फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नौ साल तक रखता है बैंडेड करैत, ये करैत है, 9 साढ़े 9 साल इसकी उम्र होती है दोस्तों। देख सकते हैं यह ऊपर का जो है स्किन का खोल छोड़ता है सांप, देखिए एक वहां पे नजर आ रहा है आपको, यह भी काफी एक्टिव होता है दोस्तों। इसे खेतों में पाया जाता है, इसे हम लोग गहुवन कहते हैं, रेड स्नेक, इंडियन रेड स्नेक, हाँ ये वही है जो गेहूं के खेतों में पाया जाता है और चूहों आदि को खाता है। इकोसिस्टम का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है सर्प, इन्हें नहीं मारना चाहिए हमें, इससे हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, और इससे प्रकृति को काफ़ी हानि हो सकता है, मनुष्य
की प्रजाति जो है के जीवन जो है संकट में पड़ सकते हैं। ये सारे जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम के अंग हैं, हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हम लोग इसे सुगापंखी सर्प कहते हैं हिंदी में। बिल्कुल यह ग्रीन कलर का होता है और पतला होता है, बिल्कुल दिखता भी नहीं है दोस्तों, यह खतरनाक होता है। कई तो फ्लाइंग करने वाले होते हैं। ये गोल्डन ट्री स्नेक है, ये हल्का पीला रंग लिए हुए उस प्रजाति का है, इसलिए इसे गोल्डन इसके कलर के नाम के अनुसार। ये पैथन है वही प्रजाति जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था। यह देखिए, इसको भी मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी बड़ा है। देखिए ये जो है, यह सांप जो है वहाँ पे विश्राम कर रहा है, सांपों का समूह। दोस्तों इसके पहले भी मैं इस वीडियो को एडिट करने की कोशिश कर रहा था और जब मैंने पूरी एडिट कर ली थी तो यह वीडियो जो है इसमें कुछ टेक्निकल खराबी आने के चलते वॉयस जो है ठीक से नहीं हो पाया, डिलीट हो गया। काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों एक ही वीडियो को बार 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 बार, कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो। वो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपका लाइक हमें प्रोत्साहन देता है। अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में ज़रूर शेयर करें। देखिए ये एक प्रकार का जीव है जो लिजार्ड प्रकृति का है, लिजार्ड ग्रुप का है, रेक्टिकुलेटेड पैथन। तो ये भी वही आपको अजगर प्रजाति के ही मिलेंगे। देखिए प्रयास करते हैं कैमरे की नज़र से खोजने के लिए। देखिए दिख गया, ये हल्का सा पानी में रुका हुआ है और ये तीन तीन है, तीन सर्प जो है पैथन के ग्रुप है, देख सकते हैं आप दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यथासंभव आपको जितना नज़दीक से व्यू हो सके, मैं जीवों के नज़दीक से नज़दीक आपको जा करके उसकी अच्छी से अच्छी टोकै, इसका नाम टोकै है, टोकै लिजार्ड, ये भी लिजार्ड ग्रुप के ही जीव है। देखिए अभी तो बारिश हुई है तो हाँ, सब जीव जंतु तो बारिश के समय में बाहर नहीं निकलते ना दोस्तों, इसलिए कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अपने खेमे में अंदर चले गए हैं। तो